औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एमआईएम के काउंसलर सैयद मतीन के साथ में बीजेपी काउंसलर की हाथापाई मारापीटी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ। आमना सामना मीडिया नेटवर्क के लिए औरंगाबाद से सहाफी रफीउद्दीन रफी की खास रिपोर्ट। आइए देखिए पूरा मजरा क्या है। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में एमआईएम कॉरपोरेटर सैयद मतीन पर बीजेपी के कॉरपोरेटर्स उस वक्त टूट पड़े जब सैयद मतीन ने ये कहते हुए एक करारदाद की मुखालिफत कर दी। वो करारदाद अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में रखी गई थी। सैयद मतीन ने जैसे ही उस करारदाद की ये कहते हुए मुखालिफत की कि बाबरी मस्जिद की शहादत में अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे और जो है तो मैं उनको खराज अकीदत नहीं पेश कर सकता, इसके साथ हाउस में हंगामा हो गया। काबिले जिक्र बात यह है कि जुमा के पहले हुए इस जनरल मीटिंग में एमआईएम कॉरपोरेटर की खलील तादाद मौजूद थी, जिसकी वजह से बीजेपी कॉरपोरेटर्स के हौसले बुलंद नजर आए, ये वहां मौजूद कॉरपोरेटर्स का कहना था। जैसे ही जो है तो सैयद मतीन ने मुखालफत की। बकौले सैयद मतीन, राज वानखेड़े और प्रमोद राठौड़ बीजेपी के कॉरपोरेटर और उनके साथ जितने भी कॉरपोरेटर हाउस में मौजूद थे बीजेपी के, वो सब सैयद मतीन पर टूट पड़े और उन्होंने सैयद मतीन को जो है पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान अपोजिशन लीडर जमीर अहमद खादरी और जफर वगैरह दूसरे जो कॉरपोरेटर वहाँ एमआईएम के खलील तादाद में मौजूद थे, उन्होंने बीच बचाव किया और बीच बचाव करते हुए उन्होंने जो है किसी तरीके से महाफिज वहाँ पहुंचे कॉरपोरेशन के और उन्होंने सैयद मतीन को कमरे में जो है तो ले गए। सैयद मतीन से हमारी बात हुई तो सैयद मतीन का कहना यह था कि ये गुंडागर्दी है और बीजेपी के गुंडों ने गुंडागर्दी पर उतर आए और ये मेरा दस्तूरी और जो है तो दस्तूरी हक है कि मैं किस करारदाद को मंजूर करूं या किसी करारदाद की मुखालफत करूं, ये मेरा अपना दस्तूरी हक है और जो है तो ये सीधा सीधा एक गुंडागर्दी थी और मैंने उनका जमकर मुकाबला किया, तना था मैं उन्होंने कहा और मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उनका कहना था। तो दूसरी जानब जो है एमआईएम का जो स्टैंड है उसने सबको हैरत जदा कर दिया। एमआईएम ने इस पूरे मामले को ये कहते हुए कि ये सैयद मतीन का जाती अमल था, ये पार्टी लाइन नहीं। उसके बाद मतीन कहीं पर तनहा जो है तो अपने तनहा जो है मतीन अब तना हो गए और जो है तो इम्तियाज जलील ने ये कहा कि जो है एक इल्जाम लगाया उन पर कि वो जो है तो उसके पहले मीटिंग के पहले वो मेहर से मिले थे और जो है तो इसकी तहकीक होना चाहिए। वहीं दूसरी जानब इम्तियाज जलील ने ये भी बयान दिया कि जो मतीन के साथ हुआ वो एक गुंडागर्दी है और ये जो है हाथापाई का ये तरीका नहीं है, दूसरे तरीके से जिनको इस्तेमाल कर सकती थी बीजेपी और शिवसेना और क्योंकि उनकी मेजोरिटी हाउस में। साथ ही जो है तो मतीन पर हुए हमले की मुखालफत करते हुए उन्होंने कहा, ये इम्तियाज जलील ने कहा कि जिन लोगों ने भी ये हरकत की उन पर 307 लगना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आमदार जो है एमएलए इम्तियाज जलील के बयान में कहीं ना कहीं जो है एक वो लग रहा है मुखालफत एक दूसरे बयान से लग रही है कि एक जगह तो वो कह रहे हैं कि साजिश का नतीजा थी और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं वो कि जो है ये कार्रवाई करना चाहिए था, इसकी तहकीकात करनी चाहिए, इसके पीछे किन लोगों का हाल हाथ है और मजलिस पर जो है मजलिस की जो ये है तो लीडरशिप इसको ये जो है तो उनका अपना जाती अमल मानती है। तो ये कहीं ना कहीं उनसे एमआईएम से जो है तो मतीन के हल्के में हमने बहुत सारे लोगों से बात की तो एमआईएम के इस रवैये से लोगों जो है तो एमआईएम के मुखालफत कर रहे हैं कि एमआईएम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो एक जो है तो होना और एक कोल्ड जो है तो एमआईएम लीडर है जो कि जो है तो एमआईएम की असल नुमाइंदगी करता है, ऐसे भी लोगों को कहते हुए जो है तो हमने खुद सुना और जिन लोगों से बात हुई। खैर ये पूरा जो है पूरी ये जो है तो पूरा मामला जो है तो ये पूरा दिन भर आज हंगामे में रहा, उसमें बड़ी तादाद में जो है तो सैयद मतीन के चाहने वाले उसके अवार्ड के हल्के के लोग भी जो है तो वहां पहुंचे। उससे पहले बीजेपी के लीडर जाकर कमिश्नर से मिले, पुलिस कमिश्नर से उन्होंने शिकायत की मतीन की। उसके बाद में जो है इम्तियाज जलील और जो एमआईएम के कायदीन थे वो जाकर मिले कमिश्नर से। तो खैर अब जो है तो देखना ये है, बहरहाल मतीन को जो है तो मतीन को कुछ जख्म आया और जो है तो उनको बता रहे थे कि मुझे काफी मार भी लगा है और जो है तो इस सब की तहकीकात चल रही है, अब देखना है पुलिस क्या करती है। ये भी कहा इम्तियाज जलील ने कि इसके जो है
सीसीटीवी कैमरे जो है तो तहकीक के बाद मामला दर्ज होना चाहिए, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे इंडिया दिल्ली नेवी का। तो ये सब एक था, सुबह से शुरू हुआ था, शाम तक जो है तो इसी तरीके से ठंडा हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी रफी साहब, आपने पूरी हालात से आगाह किया आमना सामना मीडिया को। ये थे आमना सामना मीडिया के साफी रफी साहब जो हमें औरंगाबाद से रिपोर्ट दे रहे थे।